दोस्तों, सबसे पहले तो सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम कुटुंब एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे न्यू साथी हैं जिनको चलाना नहीं आता है कि किस तरह से इसको यूज करना है, क्या क्या फीचर्स होते हैं। कैसे पदाधिकारियों का पता करेंगे कि आपके एरिया में कौन कौन से पदाधिकारी हैं, कैसे पदाधिकारियों से संपर्क किया जाएगा, कैसे लाइव मीटिंग ज्वाइन की जाएगी, कैसे प्रोफाइल में अपडेट किया जाएगा और कैसे एडमिन से बात की जाएगी। जितने फीचर्स हैं उन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए कुटुंब ऐप ओपन कर लेते हैं। ओपन हो रही है कुटुंब ऐप और हमारे संगठन का नाम जैसा कि ऊपर लिख के आ गया है, नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी। ये इसके बारे में बायो लिखा हुआ है। यहाँ पे मेरे प्रतिष्ठा पॉइंट भी दिख रहे हैं, ये देख सकते हैं 14.9K, 14,000 पॉइंट हो चुके हैं। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। 14,966 प्रतिष्ठा पॉइंट हैं जो 11,550 प्रतिष्ठा पॉइंट पोस्ट शेयर से आए हैं, रेफरल से 3400 आए हैं और 16 अन्य आए हैं। जब सदस्य आपके शेयर किए गए पोस्ट से कुटुंब ऐप खोलता है तो आपको 50 प्रतिष्ठा पॉइंट मिलते हैं। 50 पॉइंट एक मेंबर को रेफर करने पे मिलते हैं। और ये बेल आइकन का ऑप्शन है, यहाँ पे जितने भी नोटिफिकेशन है आपके पोस्ट पे कोई कमेंट करता है, लाइक करता है तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और नीचे की तरफ ऑप्शन अगर देखते हैं, पहला होम का ऑप्शन है, सदस्य का है, पोस्ट करें का है, मैसेजेस का है, प्रोफाइल का है। सबसे पहले एडमिन के ऑप्शन पे जाते हैं, ये जो साइड में है एडमिन में देख सकते हैं आप, यहाँ पे 5 लोग एडमिन हैं। बौद्धाचार्य डॉक्टर एसएन बौद्ध जी जो संस्थापक भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, श्रीधर सालवे जी हैं, अमित वाल्मीकि बौद्ध जी, बी एन सुमन बौद्ध जी और एक मेरी आईडी आ रही है और ये मॉडरेटर हैं। तो किसी से भी संपर्क करने के लिए, जैसे मान लीजिए डॉक्टर बी एन सुमन सर से संपर्क करना है, इनकी आईडी पे क्लिक करेंगे, इनके विवरण में अगर इन्होंने नंबर लिखा होगा तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा विवरण में, लेकिन इन्होंने नंबर नहीं डाला हुआ है तो इनको मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करें के ऑप्शन पे जाएंगे और इनको यहाँ से अपनी बात लिख के भेज सकते हैं और ये देख लेंगे, ठीक है। बैक चलते हैं, मॉडरेटर हैं। अगर आप पदाधिकारी बनना चाहते हैं तो पदाधिकारी बन सकते हैं। पदाधिकारी बनने के लिए किसी भी एडमिन या मॉडरेटर से संपर्क करना पड़ेगा, वो आपको पदाधिकारी बना देंगे। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, पदाधिकारी वाले पे। यहाँ पे पदाधिकारी शो हो रहे हैं, कितने सारे पदाधिकारी हैं, सभी का नाम आ रहा है, पद का नाम आ रहा है। अब यहाँ पे आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इतने सारे पदाधिकारी हैं, सब एक में ही मिक्स है और यहाँ पे अलग अलग करने का ऑप्शन भी नहीं है कि अलग अलग कैसे पता करेंगे कि आपके एरिया में कौन सा पदाधिकारी है। तो उसके लिए ये नीचे जो सदस्य का ऑप्शन दिख रहा है ना, होम के साइड में सदस्य के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए पदाधिकारी और सभी सदस्य दो ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें अगर सदस्य देखना चाहते हैं कि आपके यहाँ से कितने सदस्य हैं, मान लीजिए हम देखना चाहते हैं कि मेरे ज़िला शाहजहाँपुर से कितने सदस्य हैं, मेरा शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में आता है, ये देखिए उत्तर प्रदेश में 28,144 लोग जुड़े हैं। क्लिक किया, अब यहाँ पे ज़िला चुना, ज़िले के लिए नीचे चलते हैं, शाहजहाँपुर चूज करना है हमें। चलिए शाहजहाँपुर नहीं, आगरा में चलते हैं। मान लीजिए आगरा के हमें देखने हैं सदस्य कितने हैं, 746 लिख के आ रहे हैं, आगरा में 746 लोग हैं। और इन सभी लोगों से यहाँ से मैसेज पे बात कर सकते हैं, देख सकते हैं इतने लोग हैं। ब्लॉक चुने, यहाँ पे ब्लॉक आ रही हैं आगरा में, कितने ब्लॉक हैं, तो इस तरह से सभी मेंबर को देख सकते हैं। अब बात है पदाधिकारियों की कि आपके एरिया से पदाधिकारी कौन है। बार बार
सभी लोग मैसेज करते रहते हैं कि सर हमारे यहाँ से कौन पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है। तो पदाधिकारी वाले ऑप्शन में आइए, यहाँ पे सदस्य के ऑप्शन में पहले आना है, फिर पदाधिकारी में आना है। ये देखिए सभी का पद लिखा हुआ है रेड कलर से, ऑरेंज कलर से। तो यहाँ पे राज्य चुनेंगे, कौन से राज्य का पदाधिकारी देखने हैं। हरियाणा में एक हैं, दिल्ली में एक हैं, पंजाब में एक हैं, छत्तीसगढ़ में एक, गुजरात में दो, हिमाचल प्रदेश में तीन, महाराष्ट्र में सात हैं, बिहार में नौ हैं, मध्य प्रदेश में 12 हैं, राजस्थान में 40 हैं, उत्तर प्रदेश में 53 हैं। चलिए उत्तर प्रदेश में देखते हैं पदाधिकारी। अब जिला चुन लेते हैं, कौन से ज़िले से, हरदोई ज़िले में देखते हैं या लखनऊ में देखते हैं। चलिए पहले हरदोई में देखते हैं कौन कौन पदाधिकारी। हरदोई में क्लिक किया, जिला अध्यक्ष हरदोई संजीव गौतम, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी जिला महासचिव विजय कुमार सिंह कुशवाहा, और राष्ट्रीय सचिव, ये राष्ट्रीय सचिव भी हरदोई से हैं, तो यहाँ से इनसे बात भी कर सकते हैं। जो भी आपका ज़िला पड़ता है उस ज़िले को सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपके तहसील में पदाधिकारी होगा तो तहसील वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो तहसील का नाम लिख के आ जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि आपके ज़िले से, आपके ब्लॉक से, तहसील से कौन कौन पदाधिकारी हैं। चलिए फिर से ऊपर चलते हैं, एडमिन हो गया, पदाधिकारी हो गया, एडमिन पैनल, ये आप लोगों को नहीं दिखेगा, ये वाला एडमिन के लिए ऑप्शन होता है, लोकप्रिय वाला ऑप्शन है। लोकप्रिय ऑप्शन में सभी पोस्टें आती हैं, जितने भी लोग पोस्ट करते हैं कुटुंब मैप में वो सभी पोस्ट इसमें आती हैं। और एडमिन पोस्ट, यहाँ पे सिर्फ एडमिन की पोस्ट आएगी। एडमिन में कौन, जो मॉडरेटर हैं और जो एडमिन है, सिर्फ उनके। और पदाधिकारी वाला ऑप्शन हो गया, एडमिन पैनल हो गया, लोकप्रिय। बहुत से लोगों को नहीं पता है कि डोनेशन कैसे किया जाता है, डोनेशन के बारे में बता देते हैं। जब लोकप्रिय वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर लिखा है दान करें, दान करें में क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आ रहा है 51 रुपये, 101, 501, 1100, 5100, 11000। अब हम कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मैं 51 नहीं कर सकता, पूरे 50 करूँगा, 101 नहीं कर सकता, पूरे 100 करूँगा, क्योंकि मनुवादी जैसे दान करते हैं ना 51 रुपीज़ का, 501 का, 101 का, तो मनुवादी तरीके से दान नहीं करना चाहते हैं जो लोग। चूँकि ये एप्लीकेशन हमारे द्वारा नहीं बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे डोनेशन राशि इस तरह से आती है 51 101। तो यहाँ पे जितना भी आप राशि डोनेट करना चाहते हैं वो राशि डाल सकते हैं, जैसे 100 रुपये डोनेट करना है, जैसे 51 नहीं डोनेट करना है, 50 करना है, तो 50 डाल करके दान करें पे क्लिक करेंगे, दान 51, कम से कम 51 होना चाहिए। चलिए 100 कर लेते हैं, 100 रुपये दान करने हैं। यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो गया है, नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी, रेजोर पे, ट्रस्टेड बिजनेस। अब देखिए यहाँ पे कितने तरीके से आप दान कर सकते हैं, फ़ोन पे वॉलेट से कर सकते हैं, UPI गूगल पे से कर सकते हैं, फ़ोन पे UPI से कर सकते हैं, किसी भी कार्ड से कर सकते हैं, वीज़ा कार्ड हो, मास्टर कार्ड हो, रुपे कार्ड हो, या कोई भी कार्ड हो, सभी से UPI से कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, या जो भी UPI हो उससे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, जितने भी इंडियन बैंक्स हैं सभी के नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, जो वॉलेट हैं जैसे फ़ोन पे वॉलेट है, गूगल पे वॉलेट है, पेटीएम वॉलेट है, इन सभी से भी कर सकते हैं। ICICI बैंक पे लेटर का एक ऑप्शन होता है, तो वहाँ से भी पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे भी आपको डोनेट करना हो उस पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स फिल करेंगे और यहाँ से डोनेशन कर सकते हैं, और उसके बाद अपना डोनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आएगा। सबसे नीचे देखिए ब्लू कलर में, वाइट ब्लू कलर की पट्टी में लिखा हुआ है डोनेशन प्रमाण पत्र देखने के लिए क्लिक करें। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपने जो भी डोनेशन किया है वो यहाँ पे शो हो जाएगा और उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे 100 रुपये का डोनेशन किया है, 200 रुपये का किया है, सॉरी ये वाला तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रोसेस हो रहा है। जो आपका कंप्लीट हो जाएगा डोनेशन तो यहाँ पे सर्टिफिकेट शो होने लगेगा। चलिए बैक चलते हैं,
अब हमें देखना है संस्था में पदाधिकारी कितने हैं। यह सदस्य का ऑप्शन था, सदस्य में देखिए लिखा हुआ है 66,714 सभी सदस्य, ये लोग पदाधिकारी हैं। पोस्ट करने के लिए अगर यहाँ पे अपनी पोस्ट डालना चाहते हैं तो उसके लिए क्लिक करें प्लस के निशान पे। अब देखिए यहाँ से क्या क्या डाल सकते हैं, फ़ोटो डाल सकते हैं, PDF डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, ऑडियो डाल सकते हैं और यूट्यूब की लिंक डाल सकते हैं, इतने सारे ऑप्शन हैं। फिर आते हैं मैसेजेस के ऑप्शन में, कोई भी आपको मैसेज करता है या आप किसी को मैसेज करते हैं तो वो यहाँ पे शो होगा। जैसे इन्होंने सुरजीत जी ने मुझे मैसेज किया है, जय भीम जय भारत, कंसी राम जी अमर रहे हैं सुरजीत, तो यहाँ पे मैसेज रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, ब्लॉक करना चाहते हैं ब्लॉक भी कर देंगे और यहाँ से उनको भी मैसेज कर सकते हैं। फिर यहाँ से बैक जाएंगे, अब ऊपर की साइड देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मैसेजेस का ऑप्शन है, एक मेरे चैट रूम्स का, एक आपके संपर्क का है। सबसे पहले देखते हैं आपके संपर्क में, जितने कुटुंब ऐप पे लोग हैं अगर वो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं और कुटुंब ऐप पे हैं तो यहाँ पे उनका नंबर और नाम शो होगा कि हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में से कितने लोग कुटुंब एप्लीकेशन में जुड़े हैं। अब मेरे चैट रूम्स में आते हैं, यहाँ पे ग्रुप शो हो रहे हैं, एक तो ये जो ऑफिशियल ग्रुप है जिसमें सभी सदस्य लिखा है, इसमें जितने भी कुटुंब ऐप के मेंबर हैं सब इसमें उपस्थित हैं। जो लाइव चर्चा होती है, लोगों को पता नहीं है लाइव चर्चा कैसे अटेंड करनी है, तो लाइव चर्चा देखिए यहाँ पे टाइम भी शो हो रहा है, अगली लाइव चर्चा का समय 8 PM मतलब शाम को 8 बजे लाइव चर्चा होगी और वो यहीं पर शो होगी। लाइव चर्चा अटेंड करने के लिए आपको पहले मैसेजेस के ऑप्शन में क्लिक करना है, मैसेजेस पे, फिर उसके बाद मेरे चैट रूम्स में आना है और सभी सदस्य में क्लिक करना है। जैसे ही सभी सदस्य में क्लिक करेंगे लाइव चर्चा चालू होगी, तो ऑटोमेटिक आपके सामने लाइव चर्चा के सभी ऑप्शन ओपन हो जाएंगे और आवाज़ आने लगेगी और जो सीट होती है वो भी ओपन हो जाएगी, उस पर आप रिक्वेस्ट करके चर्चा ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं, बोल सकते हैं। चलिए यहाँ से बैक चलते हैं, पहले ग्रुप के बारे में देख लेते हैं, ग्रुप में लोगों को जोड़ सकते हैं, लिंक से इनवाइट कर सकते हैं, ग्रुप छोड़ सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे एडमिन देखिए बौद्धाचार्य डॉक्टर रेशन बौद्ध, श्रीधर सालवे जी, अभय रतन बौद्ध जी हैं और यहाँ पे मेंबर हैं 64,873 लोग हैं जो इस ग्रुप में हैं। चलिए फिर बैक चलते हैं, तो ये तीनों ऑप्शन कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं प्रोफाइल के ऑप्शन में, ये हमारी प्रोफाइल ओपन हो गई है। यहाँ पे हमारा पद दिखाई दे रहा है, राष्ट्रीय महासचिव, आईडी कार्ड है, इसको शेयर कर सकते हैं यहाँ से, विवरण है, यहाँ पे जो बायोडाटा अपने बारे में लिखा था वो शो हो रहा है, यहाँ पे अपनी पोस्ट शो हो रही है, जो पोस्ट हमने की है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रही है और किसी ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये मेरी पोस्ट थी तो इस पर 3 कमेंट हैं, 8 लाइक हैं और 221 व्यूज हैं। कमेंट देखते हैं किसने क्या कमेंट किया, ये कमेंट शो हो रहे हैं यहाँ पे, लाइक कर सकते हैं, ये देखिए ये कमेंट शो हो रहे हैं यहाँ पे, लाइक कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि किसने किसने इस पोस्ट को लाइक किया है, उपयोगी में क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये देखिए सभी लोग शो हो रहे हैं जिसने जिसने पोस्ट को लाइक किया, और व्यू किसने किसने किया है यहाँ पे देख सकते हैं, 221 व्यूज लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं किसने किसने हमारी पोस्ट को देखा है। चलिए फिर से बैक चलते हैं, अब बात करते हैं प्रोफाइल में जो एडिट करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं वो कैसे करें। प्रोफाइल फ़ोटो बदलनी है, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर प्रोफाइल एडिट अपडेट करें, इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं फ़ोटो अपडेट करें, प्रोफाइल विवरण एड्रेस अपडेट करें, रेफरल कोड डालें, फेसबुक पेज से कनेक्ट करें, इतने ऑप्शन आ रहे हैं, तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए ये एक इसमें सेटिंग का भी ऑप्शन है साइड में, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है लॉग आउट करने में, लॉगिन करने में, तो यहाँ पे देखें सेटिंग के ऑप्शन में जाएंगे, मेरा डोनेशन, यहाँ पे जो डोनेशन किया है वो शो होगा और आपके सर्टिफिकेट भी शो होंगे। यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं,
अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन चाहें तो अपलोड कर सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी है, रूल्स रेगुलेशंस है, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को, अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। अकाउंट डिलीट करेंगे तो ये नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी से हट जाएंगे और किसी भी दूसरे संस्था में ज्वाइन कर सकते हैं इसी मोबाइल नंबर से, और लॉगआउट के ऑप्शन में क्लिक करके लॉगआउट कर सकते हैं। जैसे आप दो नंबरों से कुटुंब ऐप यूज करते हैं तो यहाँ से लॉगआउट करके दूसरे नंबर से लॉगिन करके दूसरे ऐप में, दूसरे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, और वापस से लॉगआउट करके फिर दूसरे नंबर से ज्वाइन कर लॉगिन करके वापस इसमें आ सकते हैं। मुझे लगता है कि सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, और भी कोई अगर जानकारी अधूरी रह गई हो तो अपना कमेंट कीजिएगा वीडियो में, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी यूजर्स हैं, जिन लोगों को पता नहीं है इन सब ऑप्शंस के बारे में कि कैसे डोनेशन करेंगे, कैसे प्रोफाइल अपडेट करेंगे, कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे पदाधिकारियों से, तो उन सभी लोगों को इसके बारे में पता चलना चाहिए, क्योंकि नॉलेज नहीं रहती है तो एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देते हैं और ग्रुप से हट जाते हैं। तो एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल ना करें, ग्रुप का यूज़ इसमें पोस्ट वगैरह डालते रहें और पोस्ट पढ़ते रहें। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।